पता नहीं यार। हाँ जी नमस्कार, मैं मलय कुमार पात्रा बोल रहा हूँ पटनागढ़ से। ये देखिए पीएच बूस्टर का इस्तेमाल मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आज 2000 लीटर का प्रिपेरेशन कर रहा हूँ, तो ये है 10 लीटर पानी एक प्लास्टिक बकेट में, और ये देख लीजिए आपका एक पैकेट ये है पीएच बूस्टर का, और दूसरा पैकेट है ये पीएच बूस्टर का, ठीक है। मैं इसका इस्तेमाल आपको पार्ट वाइज बता रहा हूँ कैसे करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो व्हाट्सएप में जाएगा नहीं। तो कृपा करके आप इसको देख लो क्या हो रहा है ये चीज़ का। और यहाँ से लेके मेरा एक मेजरमेंट है टंकी में, जहाँ 2000 लीटर पानी हम लोग रख सकेंगे, उसका पूरा का पूरा वीडियो बना के मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है ना। ये पहला वीडियो है, इसके बाद दूसरा वीडियो मैं आपको भेजता हूँ। चलिए ओके ओके बाय। देखिए ये पीएच बूस्टर का सील ऐसे आपका टेबल केबल टायर से ये सील्ड रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, भीतर का जो पाउडर है इसको हम लोगों को हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें 29 ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अगर आप हाथ लगाओगे तो उसका जो महत्व है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उसको पहले हम लोग फाड़ेंगे कैसे, ऐसे आप इसको रखो ऐसे, ठीक है, एक सेकंड। इसको आप ऐसे रखो बूस्टर को, और ऐसे दोनों हाथ लगा के ना इसको खींच लो तो ये टूट जाएगा, ठीक है, एक सेकंड। ये यार अकेले वीडियो कर रहा हूँ तो वो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। दोनों तोड़ दिया हूँ मैंने, दोनों तोड़ के इसको क्या करेंगे, अभी बिना हाथ लगाए ना ये पानी में डाल देंगे इसको, देख लीजिए ये ऐसे पानी में डाल देंगे, ठीक है। ये व्हाइट कलर का पाउडर आपका क्या हो जाएगा, गहरा आपका इसमें बन जाएगा, क्या है, वायलेट कलर में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, रुकिए, ये लिमिटेशन खराब ख़त्म हो गया वीडियो का, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेज रहा हूँ इसको। अभी देखिए ये दोनों 10 लीटर पानी में मिलाने के बाद, ये प्लास्टिक पाइप है, मैं इसमें हाथ नहीं लगा रहा हूँ, और इसको क्या कर रहा हूँ, अच्छी तरह से इसको मिला रहा हूँ, देख लो आप, ठीक है। प्लास्टिक पाइप को ऐसे गोल गोल घुमाइए और इसको मिलाइए अच्छी तरह से, ठीक है। ये क्या होता है, ये अपना पूरा गहरा वायलेट कलर का हो जाता है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से ये देख लो, कुछ पार्टिसिपेशन बचता है। ये जो पार्टिसिपेशन आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ये पानी में नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये है हम लोग जो 29 ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें इंजेक्ट किए हैं ना, वो पानी में होता है, तो वो क्या करता है, चूने का साथ मिलके वो एक उसको ढेला जैसा बना देता है ना। तो उसको हम 15 मिनट के बाद मिलाने का उसका कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ सर्जिकल ग्लोव यूज करने के लिए, लेकिन मेरे पास तो खैर अभी सर्जिकल ग्लोव है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पानी में डालने के बाद बाकी जो बचेगा चीज़ उसको फिर थोड़ा सा पानी डाल के उसको थोड़ा हाथ में मिला देंगे, और मिलाने के बाद उसको फिर पानी में डाल देंगे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो ये कर सकते हैं, ये अपना 2000 लीटर के लिए सल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं भेज रहा हूँ। देखिए ये टंकी में पैरा डाला जा रहा है, मेरा टंकी अभी फट गया है, इसीलिए इसी के अंदर पॉलीथीन डाल के मैं बीड़ा डाल रहा हूँ, उसको बायपार्ट कर दिया हूँ, ठीक है। तो कल 60 बेड में डालूँगा, एक एक बेड में 7 बीड़ा का इस्तेमाल होता है, और मेरा बीड़ा का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, जैसे देखिए ये करीब करीब 500 ग्राम का रहता है, ठीक है। तो करीब करीब 3.5 किलो या 3 किलो 250 ग्राम रहता है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो काउंट किया हूँ मैं, एक एक बेड में 7 बीड़ा, मतलब आपका 60 बेड में 420 बीड़ा, ठीक है। 420 बीड़ा इसमें डाला जाएगा, उसको सही तरह से ये करा जाएगा, उसके बाद पानी छोड़ा जाएगा इसमें। पानी छोड़ने के बाद मुझे पता है कहाँ तक लिमिटेशन होता है वो 2000 लीटर का पानी, तो उसमें से 10 लीटर काट के, जैसे कि आपका 1990 लीटर पानी इसमें जब आ जाए, तो ये सल्यूशन को उसमें मिलाएंगे हम लोग, हर एक जगह थोड़ा 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 उसको डाल के, एक आदमी को चढ़ा के उसके ऊपर पैर से इसको ये करा जाएगा, और जो पार्टिसिपेंट बच जाएगा ना, तभी उसमें थोड़ा सा और उसी में से पानी लेके उसमें हाथ में मसल देंगे,
और चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो भी वीडियो में मैं आपको भेजता हूँ, ठीक है, अब देख लो एक बार। हाँ देखिए ये क्या है, ये अपना 40 बेड के लिए 280 बीड़ा पुआल ये बेड में डाला गया, इसमें डाला गया है ये टंकी में। और ये अगर इतना दूर तक आता है, इसका कैलकुलेशन है, ठीक है, तो ये अपना 2000 लीटर पानी होता है। ये इतना दूर तक आएगा, ये 2000 लीटर पानी है। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो ईंट को है, ये जॉइंट जॉइंट के जगह में रख रहे हैं। तो बीड़ा का जो है ऐसे ऐसे जॉइंट जगह में रख रहे हैं, ऐसे जॉइंट जगह में, तो बीड़ा जो है पूरा पानी के अंदर जाएगा। ये भीतर दे दो बीड़ा, हैं हैं। और ये देखिए ये है अपना पीएच बूस्टर, हैं, इसको अभी हम लोग देखिए ये डाल रहा है इसको, ये बिल्कुल हर एक जगह थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा है, बाद में वो पानी के सामने हम लोग रख देंगे इसको, तो जितना चला जाएगा ये सब चला जाएगा। ये कलर का अभी है, और जब पेरा के साथ चला जाएगा ये, तो पेरा से पूरा अपना नीला कलर छोड़ने लगेगा, पेरा का जितना कंटामिनेशन है वो पानी में चला जाएगा। वो भी दिखाऊंगा, अभी के लिए इतना। देखिए पेरा का जो है नीला कलर ना, आप देख सकते हो, ये देखो हाँ, ये अभी छोड़ने लगा है। ये क्या है, पेरा को कंटामिनेशन फ्री कर रहा है एकदम शुरुआत से, आप देख सकते हो। और जो ये वायलेट कलर है, हाँ ये जो वायलेट कलर है, ये क्या होगा, धीरे धीरे पानी का नेचुरल कलर में आ जाएगा 15-20 मिनट के बाद, ठीक है, तब आपको ये मतलब ये ऐसा ये होगा कि चलो अपना पेरा कंटामिनेशन फ्री हो गया है, हैं। उसके बाद क्या करता है, ये पेरा को स्टेरिलाइजेशन रात भर करता है, ठीक है, सुबह हम लोग इसको निकाल सकते हैं, और 2-3 घंटे के बाद जब थंब रूल में आ जाए तो उसको हम लोग बेड में डाल सकते हैं जैसे, ठीक है। और ये जो बच गया है, ये जो बच गया है देख लो, इसको हम लोग क्या करेंगे, पानी बहता पानी ये है, अभी ये लोग पानी भर रहे हैं, ये बहता पानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे पानी के नीचे ऐसे, हाँ ऐसे पानी के नीचे इसको रख देते हैं, तो ये चारों तरफ चला जाएगा। ये पहले क्या होता है, अपना कलर वायलेट कलर का रखता है, ठीक है, और ये देखिए जब पेरा में जा रहा है, इसको पूरा पेरा का नीला कलर ये खींच के आउट कर रहा है बिल्कुल पूरा का पूरा, ठीक है। और ये क्या करेगा, पूरा पेरा को कंटामिनेशन फ्री करेगा। और ये जो घोल बनाया हूँ मैं 2000 लीटर के लिए, और इतना दूर तक जब पानी आ जाएगा बिल्कुल इतना, ठीक है, ये अपना हो गया 2000 लीटर पानी, क्योंकि मैं टंकी को आधा किया हूँ, मेरा टंकी फट गया है, ठीक है, थैंक यू।